बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हड़ताल खत्म कर दी गई है और वकील लोग अपने कार्य पर लगेंगे, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कचहरी में हड़ताल चल रही, क्या वजह है? मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। देखिए, बार काउंसिल ने जो फैसला लिया, सारे अधिवक्ता उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे हितों के विरुद्ध समझौता हुआ है, इसीलिए अधिवक्ता जो है वो आंदोलन चला रहे हैं। तो विरुद्ध कहाँ से फैसला है, जब सारी शर्तों का मान लिया गया है तो फैसला अधिवक्ताओं के विरुद्ध कैसे हुआ? कोई भी फैसला मान लिया उस दिखना चाहिए ना, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस एडिशनल एसपी का ट्रांसफर किया गया है, तो पहले हापुड़ में था, उसको बरेली भेज दिया गया, उससे बड़ी उसको प्रमोट, जिसे अधिवक्ताओं ये मान रहे हैं कि हमारे जले पर नमक छिड़का गया है सरकार द्वारा, बजाय उसको पनिश करने के उसको बढ़िया जगह भेज दिया गया। अच्छा, इसमें पुलिस वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। FIR का पहले पूरा मतलब जान लीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये तो सामान्य तौर पर कोई सामान्य आदमी भी जाए कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई FIR दर्ज होनी चाहिए। होता क्या, पुलिस वाले करते नहीं हैं। वो भी जो FIR दर्ज हुई है वो बार हाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर FIR दर्ज हुई है, और FIR जो दर्ज करने वाला है वही विवेचक है उसका, वो चाहे तो फाइनल रिपोर्ट लगा दे चाहे एक्सपंज कर दे, उसमें किसी का कोई दखल नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हड़ताल तो वापस ले लिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार जितने हैं, आसपास के जो भी आपके ज़िले में अधिवक्ता लोग हैं, कुछ लोग हड़ताल खत्म कर चुके हैं, और लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मऊ बार में अभी तक हड़ताल चल रही है। जी, क्या वजह है और कब तक ये चलेगी? अब देखिए, अगल बगल के जिलों से राय बात की जा रही है, और राय बात करने के बाद अधिवक्ता हित में जो भी निर्णय उचित होगा आपस में बातचीत करके लिया जाएगा।